अपने लटकों और झटकों से सबके मन को लुभाने के बाद पहली बार गणेश आचार्य एक अभिनेता के तौर पर फिल्म हेब्रो के साथ बड़े पर्दे पर एक अलग किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां गणेश आचार्य के साथ फिल्म के अन्य कलाकार भी शामिल थे, जिनमें गणेश के साथ कम काम कर रहे अभिनेता मनिंदर सिंह, नुपुर शर्मा, हनीफ लाल भी मौजूद रहे। फिल्म हेब्रो रंगों के त्योहार होली के मौके पर रिलीज होगी। गणेश आचार्य कोरियोग्राफर कई बार और सालों से काम करते आ रहे हैं। फिल्म हेब्रो न सिर्फ उनके होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म है, इस फिल्म के हीरो भी वे खुद ही हैं। इसमें गणेश आचार्य डांस के साथ साथ एक्शन और कॉमेडी भी करते नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म हेब्रो की स्टारकास्ट प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां वे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ रूबरू हुए और जमकर डांस किया। गणेश आचार्य देश की सबसे बड़ी कोरियोग्राफी जो हम लोग देखते हैं, हर मूवीज़ के जो डांस देखते हैं, प्लस नुपुर शर्मा मिस इंडिया जो रह चुकी है, प्लस मनिंदर सिंह, ये कलाकार जो आज हमारे स्कूल में आए हैं, इसका मेन पर्पज़ हमारा ये भी था कि बच्चों को एक फिल्मी दुनिया के बारे में बताना, जो एक पर्दे के पीछे जो बच्चे हमेशा देखते हैं, जो हमेशा एक बच्चों को इंस्पायर करती है मूवी, कभी क्या किस चीज़ का मैसेज देती है, कभी किस चीज़ का मैसेज देती है। और बच्चों की चंद खुशियों के लिए हमने बुलाया था, इंट्रोड्यूस किया था, इस चीज़ के लिए हमने इन सभी कलाकारों को आमंत्रित किया था। फिल्म की अभिनेत्री जयपुर की नुपुर शर्मा इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। फिल्म हेब्रो की कहानी दो भाइयों गोपी और शिव के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का निर्देशन अजय चंडोक ने किया है और इसका निर्माण विधि आचार्य ने किया है। एक्शन और हास्य से भरपूर इस फिल्म में गणेश, महेंद्र और नुपुर शर्मा मुख्य भूमिका में है। गणेश आचार्य ने कुछ यह कहा, मैं इस फिल्म को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हूँ। ये रोल मेरे लिए करना बहुत ही चुनौतीपूर्वक रहा। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए फिल्म बनाना चाहता हूं और मैं अपने देश की संस्कृति को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं। ये फिल्म जैसे आप देखेंगे जुड़वा विद अ ट्विस्ट, दो जुड़वा, एक जुड़वा भाई की कहानी, एक 200 किलो का और एक 80 किलो का, और बहुत कॉमेडी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, फैमिली एंटरटेनिंग है। 6 तारीख होली के दिन रिलीज है। अब बच्चों को मैं हमेशा प्यार करता हूँ, बच्चे हमेशा, मैंने चक दे बच्चे इंडिया के लिए एक परफॉर्म किया था, गोपी कैरेक्टर रही एबीसीडी में जो बच्चों ने बहुत पसंद किया था, और यहाँ रावत हाई स्कूल में मैं आया हूँ बच्चों के लिए, जो बच्चों का प्यार दिख रहा है, जो बच्चे जिस तरह से मेरे को प्यार कर रहे हैं, हमारे पूरे हेब्रो फिल्म मूवी को प्यार कर रहे हैं, मुझे लगता है फिल्म अच्छी चल रही है।